हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपको ले जाने वाला हूँ 4 से 5 साल पहले अप्रैल 2017, जब मैंने एक ट्रिप करी थी रणथंबोर सवाई माधोपुर की। तो दोस्तों, हम एक शादी में गए हुए थे और शादी करौली में थी, वहीं घटवासन धाम पड़ता है। घटवासन देवी मीणाओं की देवी है, आप पीछे मंदिर की फ़ोटो देख पा रहे होंगे। मंदिर तो गए लेकिन दोस्तों उस टाइम बंद था तो हम दर्शन नहीं कर पाए, तो हम मंदिर में घूम के और बाहर से फ़ोटो वोटो क्लिक करके वापस आ गए। इसके बाद हम गए दोस्तों महावीर जी, महावीर जी का मंदिर बहुत फेमस है गंगापुर सिटी में, तो हम महावीर जी गए। उसके बाद पता नहीं गंगापुर सिटी में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, शायद गंगापुर सिटी में ही है। उसके बाद हम रणथंबोर के लिए निकल गए दोस्तों। तो सुबह सुबह गए थे हम, लेकिन रणथंबोर सफारी के लिए आपको एक दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, जो सफारी होती है वहाँ पर, तो हमें मालूम नहीं था। हमने सोचा कि वहीं जाके हम बुकिंग कर लेंगे, लेकिन सारे जो है टिकट सोल्ड आउट हो चुके थे और हमें मौका मिला ही नहीं। लेकिन लकीली उस दिन चतुर्थी थी और वहाँ पर गणेश जी का मंदिर है किले में ऊपर, तो उस दिन हमें परिक्रमा करने का मौका मिला। तो हम करीबन 3 से 4 किलोमीटर ट्रैक करके पहाड़ी पे पिछले रास्ते से, महल के पिछले रास्ते से और मंदिर तक गए। तो आप देख ही सकते हो, ये सारी हमारी ट्रैक की पिक्चर्स हैं जो हमने पैदल नंगे पैर 3 से 4 किलोमीटर की परिक्रमा ऊपर तक की। रास्ते में दोस्तों एक बावड़ी पड़ती है परिक्रमा के दौरान, तो वहाँ पर जो परिक्रमा की थकान होती है आप उसको उतार सकते हो और वहाँ पर नहा सकते हो, बिल्कुल पानी उसका साफ है, बहुत ही सुंदर। हमें बहुत ही अच्छी, एक कहते सुखद अनुभव यहाँ इस यात्रा को करने में हमें प्राप्त हुआ, बहुत मजा आया। और एक अद्भुत कला का वो भी आप देखोगे, एक तरह का योग है पानी पर तैरने की कला, जो कि आप वीडियो में देख पाओगे। तो आइए चलते हैं और वीडियो का आनंद उठाते हैं। ये वीडियो पहले YouTube पे अवेलेबल थी लेकिन मैं दोबारा से इसको रिक्रिएट कर रहा हूँ, तो आइए चलते हैं, वीडियो को देखते हैं।